वेलकम क्लास टेंथ। आज यार हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अपना चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट फोर। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहली चीज यार पढ़ेंगे वो है कॉमन सॉल्ट। एक चुटकी भर नमक से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स हम लोग बना सकते हैं केमिस्ट्री लैब में। ठीक है, और कुछ कुछ तो यार घर पे भी बन सकते हैं। ठीक है, उनके बारे में जानेंगे, जिनमें से सबसे पहली चीज जो हम लोग बनाएंगे वो है यार ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। अब बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे यार तो वॉशिंग सोडा तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, वॉशिंग सोडा पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे यार पीओपी। पीओपी क्या होती है, पीओपी कैसे बनती है। ठीक है, जिप्सम उसके साथ एक को रिलेटेड कंपाउंड है, उससे कैसे हम लोग बनाते हैं यार पीओपी, जो घर में मूर्ति फ्रैक्चर हर जगह यूज होती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और अपना चैप्टर एंड करेंगे यार एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ। सारे सारे जितने इंटेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग अच्छे से इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सारे के सारे जितने आपके डाउट्स हैं जो कुछ भी है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, अब वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ख्वाहिश है मेरी और आप लोगों से यार नुमाइश है कि आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना और सब के सब लोग यार लाइक ठोको, वीडियो को एकदम हाई रीच में पहुँचाओ। ठीक है, और मेरी फैमिली बनो। ठीक है, इस चैनल के मेंबर बनो सब्सक्राइब करने के बाद। उसके बाद एक घंटी है उसको भी बजाइएगा बिना टाइम वेस्ट किए। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पार्ट फोर। सो क्लास टेन, फिर हम लोग यार स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इसमें हमारा सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, जो घर में हम लोग नमक यूज करते हैं उसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यार इस बारी यूज करेंगे एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर केमिकल्स। ठीक है, अदर केमिकल्स के प्रोडक्शन में कैसे यूज होता है कॉमन सॉल्ट, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहली चीज तो यार कॉमन सॉल्ट यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, किसके यूज होता है, किसके फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, ये यूज होता है हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन के लिए, NaOH। राइट, हमारे NaOH के फॉर्मेशन के लिए कैसे यूज होता है मैं पहले बता देता हूँ, फिर बाद में हम लोग रीडिंग करेंगे। इसको हम लोग यूज करते हैं ऐसे कि सबसे पहले हम लोग लेंगे नमक वाला सोल्यूशन जिसे हमें ब्राइन कहते हैं। ठीक है, ब्राइन क्या है, हमारा सोडियम सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन है जिसमें सोडियम सॉल्ट की मात्रा अच्छी खासी होती है। उसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के अंडर रन करा देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करा देंगे, हम लोग इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। ब्राइन सोल्यूशन ने मान लिया कि हमने ये हमारे पास बीकर है, हमने उसमें क्या किया, हमने उठा लिया ब्राइन सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, एनोड कैथोड डाल के बैटरी जोड़ दी और बैटरी से हमने क्या किया इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से क्या होगा कि हमें एनोड पे, ठीक है, एनोड पे हमें मिलेगी Cl2 गैस, कैथोड पे हमें मिलेगी कौन सी गैस, H2 गैस, और हमें यार NaOH मिलेगा सोल्यूशन में। किस में मिलेगा, NaOH मिलेगा सोल्यूशन में। यही चीज लिखी हुई है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट इज कॉल्ड ब्राइन, इट डीकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस लिख लेंगे, नहीं तो आप ब्लॉग से भी देख ही लेना। ठीक है, क्या है, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस इसे कहते हैं, हम इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, ब्राइन सोल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये होता है हमारा क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक एल्कली है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, एल्कली क्या होते हैं, दोज बेसिस विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। ठीक है, इसमें हमने दो पॉइंट्स देखी, पहली है यार ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है और दूसरी पॉइंट हमने देखी कि यार क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, ये दोनों हमने देखी है ना, इससे हमारे क्वेश्चन क्या बन सकता है, मैं ये भी क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। वॉट डू यू मीन बाय ब्राइन, पहला क्वेश्चन, वॉट Do you mean brine? ठीक है, brine से आप क्या तात्पर्य निकालते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, What is क्लोर, ठीक है, एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस आखिर होता क्या है। ठीक है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और आप क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज ब्राइन, व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसमें इननंबरेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस
पैराग्राफ, ठीक है, क्या बन सकता है कि डीकम्पोजिशन में आपको एनोड पे क्या मिला, कैथोड पे क्या मिला, रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ना, ये रिएक्शन याद कर लेना प्रभु, ये जो रिएक्शन है मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ आपके लिए, ये रिएक्शन हमने क्या की, एक मिनट वेट अ सेक प्लीज, ये हमने किया, हमने ये ले लिया इधर से, ठीक है, एक मिनट, ये हमने ले ली है, ये पूरी की पूरी रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए कि NaCl को हमने पानी में डाला है और ऊपर, ठीक है, एरो के ऊपर आप लिख देना प्रोसेस अंडर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस कर देना, और उससे क्या हो गया, हमें NaOH मिला एक्वा सोल्यूशन में, ठीक है, पानी में NaOH बच जाएगा, और एनोड पे हमें कौन सी गैस मिलेगी, एनोड, एनोड होता है हमारा पॉजिटिव, ठीक है, उस पर हमें मिलेगी Cl2 गैस, कैथोड होता है हमारा नेगेटिव, उस पर मिलेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलेगी इसके फॉर्मेशन में, विच टू गैसेस कैन बी फॉर्म, ये भी मिल सकता है, ठीक है, आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है, विच, क्या हो गया इसको, एक मिनट रुकिएगा, विच, हाँ, विच टू गैसेस आर फॉर्म्ड इन क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस में कौन कौन सी गैसेस यूज होती हैं, ये आपका एक क्वेश्चन, कौन कौन सी गैसेस फॉर्म होती हैं, ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन है ना, ये आपको भले छोटे लग रहे हैं लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके इंटरनल सबमिटिव असेसमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, आपके एनुअल में भी आ सकता है, आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर यही एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन दे सकती है, कुछ है नहीं, ठीक है, लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन आपको ये याद करने में, आपको ये सारा, ठीक है, थिंकिंग पैटर्न बनाने में बहुत काम आएगा, ठीक है, यही सब आते हैं आपके MCQs, जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे NTSC, इन सब में आपका ये काम आता है, ठीक है, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड, ये सब में पढ़ने से अच्छा मुझे ये डायग्राम लगेगा आपको समझाने में कि हमने क्या किया है, हमने टाटा सॉल्ट ले लिया है और टाटा सॉल्ट में क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया है, इलेक्ट्रोलिसिस करने से हमें कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिली है जिसे हमने सिलेंडर में भर लिया, लाल वाला जो सिलेंडर दिख रहा है उसमें हमने ये गैस भर ली है, फिर हमने Cl2 गैस भरी है हरे सिलेंडर में, और NaOHR पानी जो बचा ना वो पानी नहीं है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक अल्कली है, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब यार इसके साथ आपको दिया है कि भाई हाइड्रोजन का बस आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, आपको तो हाइड्रोजन गैस भी मिली है, ठीक है, तो उसके यूजेस क्या है, हाइड्रोजन गैस कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, मार्गरीन, मार्गरीन होता है आपका बटर में यूज, ठीक है, एमोनिया, एमोनिया फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन के साथ आप हाइड्रोजन को मिला दो तो NH3 बन सकता है, फर्टिलाइजर में यूज हो जाएगा, फिर आपको मिलता है यार कि आप Cl2 गैस को कैसे यूज करते हो, ठीक है, Cl2 आपका वाटर ट्रीटमेंट में यूज हो सकता है, डिसइनफेक्टेंट्स के तरीके से यूज होता है, ठीक है, आपके जितने जर्म्स हैं उनको Cl2 मार देता है, स्विमिंग पूल में यूज होता है, मुझे याद है मेरी मैम ने बताया था कि स्विमिंग पूल में जब आप डुबकी मार के बाहर निकलते हो, ठीक है, थोड़ी देर बाद स्विमिंग के बाद आप जब बाहर आते हो तो एक तो आप टोपी पहनते हो, ठीक है, उसका जो स्विमिंग कैप होती है उसमें तो आपका जितना चेहरा है, ठीक है, स्किन है, वो स्किन आपका नॉर्मल रहता है, ठीक है, और सारा स्किन आपका पीला क्यों जाता है, क्योंकि उसमें स्विमिंग पूल में वो लोग क्लोरीनेटेड वाटर होता है, ठीक है, ताकि अगर आपके मुंह में पानी भी चला गया तो आपको कोई बीमारी ना हो, ठीक है, कोई जर्म्स ना हो उस पानी में, इसके लिए यूज़ होता है। PVC पाइप, ठीक है, जो प्लास्टिक की पाइप होती है वो प्लास्टिक क्या है, PVC है, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके यूज़ होता है। CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो आपकी बैन हो चुके हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, और पेस्टिसाइड्स में यूज़ होता है। पेस्टिसाइड्स के फॉर्मेशन के लिए हम लोग कौन सी गैस यूज़ करते हैं, Cl2, ठीक है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये यूज़ होता है, इट इज़ यूज़ फॉर डीग्रीसिंग मेटल्स, ये सब के सब आपको याद करने हैं, ठीक है, ये सब के सब चीज़ें आपको याद करनी है कि डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स में यूज़ होता है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है, सोप्स और डिटर्जेंट्स के फॉर्मेशन में यूज़ होता है, और किस में यूज़ होता है, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स, ठीक है। अब यार अगर सही से आप देखो तो आपको H2 और Cl2 मिला है ना, तो H2 और Cl2 से आप HCl बना सकते हो, जो कि आपकी स्टील की क्लीनिंग, अमोनियम क्लोराइड, मेडिसिन और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम आता है। ब्लीच तो आपने यूज़ किया ही होगा, ठीक है, लड़कियाँ अधिकतर यूज़ करती हैं, और कपड़े में भी ब्लीच किया जाता है, ठीक है, ताकि कपड़ा अच्छे से साफ हो जाए। ये सब क्या है, ये सब का सब है हमारा ब्लीच, ठीक है, इनकी यूजेस के बारे में हमने पढ़ लिया, ब्लीच पढ़ लिया, तो यार ब्लीचिंग पाउडर भी पढ़ लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर आपका क्या लिखा हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो।
फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, Cu Cl2। मैंने तो इसी तरीके से पढ़ा था, ठीक है, मैं आपको भी चाहूंगा कि आप लोग इसी तरीके से पढ़ो, Cu Cl2, ठीक है। Cu Cl2 क्या है आपका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ये यूज होता है हमारा किन किन चीजों में, मैं पहले यूजेज देख लीजिए जाए। ये आपका यूज होता है कॉटन फॉर ब्लीचिंग, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। पेपर जो बनता है वुड से, ठीक है, उसकी ब्लीचिंग की जाती है, वो भी आपके पेपर फैक्ट्रीज में यूज होता है। अच्छा, वॉश क्लोथ्स को भी ब्लीच किया जाता है लॉन्ड्री में, ठीक है, ताकि वो साफ रहें, ठीक है। और इसको इट कैन बी ऑल्सो यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज की तरीके से भी यूज होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, और डिसइनफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने नल का पानी गलती से रख लिया है और आपके पास ब्लीचिंग पाउडर है, तो आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये पानी आप फिल्टराइज कर सकते हो, थोड़ी सी बदबू आएगी, ठीक है, वो ब्लीचिंग पाउडर की वजह से ही आती है, ठीक है। और क्या है, हम लोग अब आते हैं इसके फॉर्मेशन पे कि आखिर ये फॉर्म कैसे हुआ। तो हमने कुछ नहीं किया, इस बार ही हमने सोडियम क्लोराइड के फॉर्म से तो हमने बनाया था NaOH, हमने क्या किया, इस बार हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा लिया, ड्राई, ठीक है, सूखा हुआ हमने स्लेक्ड लाइम ले लिया। ड्राई स्लेक्ड लाइम में हमने क्या किया, हमने उसमें क्लोरीन पास करा दिया, ठीक है। क्लोरीन के साथ एक्शन करेगा तो ये बनाएगा Cu Cl2, ठीक है। Cu Cl2 क्या है हमारा? Cu Cl2 है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। दो द एक्चुअल कॉम्पोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ये Cu Cl2 यार एक्चुअल नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इनफैक्ट हर चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है। आप जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपने पढ़ा था, एटॉमिक मास पढ़ा था, ठीक है, वन, वो वन नहीं है, 1.008 है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ को आप बहुत प्रेसाइज निकाला जा रहा है विद मॉडर्न प्रैक्टिसेस, ठीक है। वो आपका डे बाय डे इम्प्रूव होता जाएगा। आपने जो स्पीड ऑफ लाइट पढ़ी है 3×10^8, वो भी नहीं होती है, 299 ऐसे करके पूरी है, ठीक है। उस तरीके से आपकी स्पीड ऑफ लाइट सोचो कितनी प्रेसाइज निकाल ली उन्होंने, उससे तेज कोई धरती पे ऑब्जेक्ट नहीं दौड़ता है, और उतनी तेज आपकी स्पीड ऑफ लाइट है। अब चलते हैं बेकिंग सोडा की ओर। बेकिंग सोडा क्या है? द सोडा कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा, ठीक है। पकौड़े को बनाने में हम लोग बेकिंग सोडा का यूज़ करती हैं, आपकी मम्मियाँ, मेरी भी मम्मी यूज़ करती हैं। एक रेसिपी चैनल है यार, सब्सक्राइब कर देना, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैसे यूज़ होता है यार? ये आपका यूज़ होता है क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है बेकिंग सोडा का? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ भी लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज़ यूज फॉर फास्टर कुकिंग, ठीक है, जल्दी से कुक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा को। इसका फॉर्मूला NaCO3 पता चल ही गया है। ये फॉर्म कैसे होता है? ये हम फॉर्म करते हैं नमक को पानी में घोलते हैं, उसके साथ हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस के सब्जेक्ट में, ठीक है, इसके अंडर इसको हम लोग एक्शन में लाएंगे, और इससे हमें अमोनियम क्लोराइड मिलता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और NaCO3 मिलता है, ठीक है, NaCO3 मिलता है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब का सब है हमारा प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा, राइट। इतना हमने कवर कर लिया है। अच्छा, आपको पता है ये क्या है? ये बेसिक होता है नेचर में आपका बेकिंग सोडा। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। बेकिंग सोडा, सोडा कैसा हो गया था? सोडा इज बेसिक इन नेचर, राइट। इतना आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग यार बेकिंग सोडा, सबसे पहले लाइन आपको याद होगी। बहुत सारी लाइन हमने कोरिलेट नहीं की, थोड़ा इंट्रो पार्ट जैसा लग रहा था किसी फिल्म का, ठीक है। उसी तरीके से बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। इसका फॉर्मूला हमने अभी देखा है, Na CO3, ठीक है, क्या है? Na CO3, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया बेकिंग सोडा के लिए। और हाँ, बेकिंग सोडा को अगर हीट कर देते हैं तो क्या बनता है? बेकिंग सोडा को, मान लीजिए हमने क्या किया, हमने बेकिंग सोडा को हीट कर दिया, तो हमें मिलेगा, अरे हो जा, ठीक है, बेकिंग सोडा को हीट करने पे हमें मिलता है Na2CO3। Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, CO2 है, राइट, हम लोग CO2 में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमने बेकिंग सोडा से यार, तब तो हम लोग यार फायर एक्सटिंग्विशर घर पे बना सकते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे यूज़ होता है किस किस चीज़ में, ठीक है।
इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग सोडा यूज हो रहा है बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, और क्या है, इट इज यूज एज एन इंग्रीडियंट फॉर एंटासिड्स, ठीक है, एंटासिड्स में यूज होता है ये, और क्या है, बींग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ, ये तो हमने लिख लिया है, ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, इसको फायर एक्सटिंग्विशर भी बना सकते हो आप घर पर बैठ के, आपने बोतल में भरो और एक्सपेरिमेंट करो अच्छे से, अगर एक्टिविटी मिली तो उसकी भी लिंक दे दूंगा मैं आपको, आपको मिल जाएगी, आपको फायदा है उसमें। अब हमने क्या किया, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या चीज़ है, वॉशिंग सोडा है हमारा अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O। अच्छा, तो यानी इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। 0.10H2O कैसे मिलेगा, तो हमने कुछ नहीं किया यार, Na2CO3 लिया और उसको पानी में डाल दिया तो खुद 10 क्रिस्टल्स ऑफ वाटर बन जाएंगे, उसके साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है, यानी Na2CO3.10H2O का मतलब है एक Na2CO3 का मॉलिक्यूल के साथ जब 10 पानी के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको कहते हैं, तो वो हमारा एक वॉशिंग सोडा का मॉलिक्यूल बनाता है, क्या बनाता है, वॉशिंग सोडा का मॉलिक्यूल बनाता है, यानी हमने किया हीटिंग बेकिंग सोडा Na2CO3 मिल गया, फिर रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट से हमें ये बेसिक सॉल्ट मिल गया है, ध्यान दीजिए बेसिक सॉल्ट है कार्बोनिक एसिड और इससे बनता है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया व्हाट डस 10H2 सिग्निफाई, आप तब भी पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब आते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा में, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, इसका क्या यूज है यार, इट इज यूज्ड एज मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरक्स, कैरम की गोटियों के साथ अगर आपने खेला है तो आपका जीवन सफल हुआ है, ठीक है, कैरम में जो आप पाउडर छिड़कते हो ना बोर्ड पे ताकि वो थोड़ा अच्छे से मतलब लुब्रिकेंट टाइप सा काम आ जाए, मतलब फिसले अच्छे से, ठीक है, स्ट्राइकर काम करे, ठीक है, तो वो है बोरक्स, ठीक है, बोरक्स केमिकल है, इसके यूज में आता है, और सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, इतनी सारी इंडस्ट्रीज में काम आता है हमारा वॉशिंग सोडा, और ये यूज आता है फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, क्लीनिंग एजेंट में काम आता है, और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में वॉशिंग सोडा काम आता है। ये आखिरी वाला पॉइंट भाई साहब बहुत धुरंधर है और ये बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है, वॉशिंग सोडा इज यूज, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे कहीं पे, वॉशिंग सोडा इज यूज फॉर, वॉशिंग सोडा इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट की स्पेलिंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब आती है बात यार कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, आर दीज क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, क्या आखिर में जो हमारे सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं वो रियली ड्राई होते हैं, ठीक है, तो इनका चलिए CBI जांच की जाए इसकी भी। तो क्या लिखा हुआ है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अच्छा, व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स वाइट, ठीक है, जो हमारा सॉल्ट है, ठीक है, वो हमारा वाइट हो जाता है कब, जब हम उसे हीट करते हैं। तो आपको पता होगा कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को क्या कहते हैं, ब्लू विट्रियोल पता होगा ना, CuSO4.5H2O, ठीक है, CuSO4.5H2O, ये लिखने वाली चीज़ है, कहाँ गया, CuSO4.5H2O, ठीक है, CuSO4.5H2O, ये होता है ब्लू कलर का, ठीक है, ब्लू कलर का होता है, इसको जैसे ही आप हीट करोगे तो क्या होगा, इसका पानी बाहर निकल जाएगा, जो आपको कलर दिख रहा है ना ब्लू, वो डिस्पर्जन है, ठीक है, वो किस वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है, आपकी आंख में जो लाइट जा रही है वो उसको परसीव कर रही है कि यार ये ब्लू कलर का सब्सटेंस है, लेकिन हालांकि वो क्या है, वो वाइट कलर का है, लेकिन उसके क्रिस्टल्स में से लाइट ऐसे ऐसे करके जाएगी और आपको ब्लू कलर दिखाएगी, ठीक है। जैसे ही आप हीट कर देते हो तो क्या हो गया, पानी आपका इवेपोरेट हो गया, पानी इवेपोरेट होने की वजह से कॉपर सल्फेट अपने असली रंग में आ गया, ठीक है, किस रंग में आ गया, वाइट रंग में आ गया, ठीक है, ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये याद करने के बाद आगे बढ़ते हैं यार, इफ़ यू मॉइस्टन द क्रिस्टल्स अगेन, अच्छा आपने बोला भैया ये तो गलत बात है, मुझे ब्लू कलर अच्छा लग रहा था,
तो आपने कुछ नहीं यार, उसके बाद उसमें वापस पानी डाल दो, मॉइस्ट कर दो उसको, वापस से ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी तरीके से एक और सॉल्ट है जिसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से हमें मिलता है बहुत कुछ, वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने घर में देखा होगा ऊपर जो पीओपी लगी होती है, ठीक है, वॉल पे जो पीओपी लगी होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। भाई साहब बहुत जो धुरंधर सा फॉर्मूला लग रहा है ना, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ये इतना धुरंधर नहीं है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट यानी दो मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट जब होंगे तब एक मॉलिक्यूल ऑफ पानी उनके साथ जुड़ा होगा, ठीक है, आसपास होगा, ठीक है। आधा मॉलिक्यूल पानी का कुछ नहीं होता है, ठीक है, यह अब आगे कल दिखाई ही हुआ है लेकिन मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। इसको कैसे फॉर्म करते हैं, हम लोग हीट कर देते हैं जिप्सम को। हमारे पास एक सब्सटेंस है जिप्सम, ठीक है, ऊपर मैंने हाईलाइट किया, ये आपका जिप्सम है, मैं इसके साइड में जिप्सम लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए व्हाट इज रियली जिप्सम। जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट 0.2 H2O होता है हमारा जिप्सम, ठीक है, ये यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, जिप्सम होता है हमारा ये। अब हमने क्या किया, हमने आगे बढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हीट करने पे बनता है, ये आपको फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, और ये रिएक्शन मिल गई है। ये रिएक्शन अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कैसे फॉर्म होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमने क्या किया, जिप्सम जिसका फॉर्मूला होता है Ca4.2H2O, इसको हमने हीट कर दिया। जैसे ही हीट कर दिया तो हीट करने की वजह से क्या हुआ, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो गया जिसका फॉर्मूला है Ca4.5H2O, यानी डेढ़ मॉलिक्यूल पानी निकल चुका है। डेढ़ मॉलिक्यूल पानी नहीं होता है, आपको समझाने के लिए बताया गया, ठीक है। अब आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज कहाँ होता है, तो पहली चीज तो मैंने बता दी, इट इज यूज इन सीलिंग्स, ठीक है, डेकोरेशन पर्पसेस के लिए यूज होता है। और दूसरा यूज होता है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, डॉक्टर्स यूज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन, ठीक है, इसमें यह यूज होता है। इसको भी मैं हल्दी लगा देता हूँ। एक पॉइंट और अच्छा लिखा जा सकता है, पीओ पॉल नहीं पॉप, ठीक है, पॉप इज पीओपी इज यूज एज यूज फॉर डेकोरेशन पर्पसेस, डेकोरेशन पर्पसेस, ठीक है, जब उसका अच्छे से डिजाइन बना लेता है जो भी कलाकार है, ठीक है, आर्टिस्ट, वो जब बना के चला जाता है तो वो थोड़ी देर में सूख जाता है, उसमें से पानी के मॉलिक्यूल ऑब्वियस बात है एवेपोरेट हो जाएंगे गर्मी में और वो हमारा पीओपी बन जाएगा, ठीक है। इसलिए सीलन के समय आपके देखे हो गए, अगर आपने देखा होगा तो पीओपी आपकी गिरने लगती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा हो जाएगा तो वो जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे होता है हमारा ये चैप्टर समाप्त है, चैप्टर समाप्त, इतनी जल्दी हम थोड़ी करते हैं, हम लोग तो यार क्वेश्चन भी साथ में करते हैं ना, तो हम लोग यार क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड Cu-Cl2, Cu-Cl2 यार ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं, यही तो हमने सबसे पहली चीज पढ़ी थी। इतने फालतू क्वेश्चन पूछोगे, ये तो फालतू हो गया ना। अब जिसको नहीं पता होगा वो बोलेगा यार कितने टफ क्वेश्चन थे, लेकिन आप लोगों के लिए ये सब कुछ टफ नहीं है, यू आर स्टडिंग विद मी, कोई दिक्कत नहीं यार, एकदम चिल होकर पढ़ा करो, ठीक है, मैं एकदम चिल होकर सब चीज करता हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन द ट्रीटमेंट विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम जब ब्लीचिंग पाउडर का ट्रीटमेंट करते हैं क्लोरीन के साथ तो हमें मिलता है ना CO3, ठीक है, ना CO3, ठीक है, NaSCO3 मिलता है हमें जब ब्लीचिंग पाउडर को हम ट्रीट करते हैं। एक मिनट, सॉरी, ये हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही हम लोग क्या करते हैं क्लोरीन के साथ पास कराते हैं तो हमें Cu-Cl2 मिलता है ना, ऊपर ही तो लिखा है हमने Cu-Cl2, ठीक है। फिर लिखा है नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वॉशिंग सोडा। क्या यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है, यहाँ मैं वॉशिंग सोडा लिख देता हूँ। एक चीज और, आपका आपके कोई ना कोई टीचर ऐसे होंगे जिनको चाहिए होगा एकदम प्रेसाइज एंड परफेक्ट आंसर, ठीक है, आप वॉशिंग सोडा लिख दोगे आपको नंबर नहीं मिल सकते, ठीक है, हो सकता है आपके नंबर इंटरनल में काट लिए जाए, ठीक है, एनुअल में आप कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, बोर्ड वाले टीचर कैसे चेक करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसमें आप वॉशिंग सोडा ही ना लिखो, आप इसमें क्या करो Na2CO3.10H2O कर दो, इसको Na2CO3.10H2O, ताकि नंबर काटने की कोई गुंजाइश ही ना रहे, ठीक है।
नंबर काट ही नहीं पाएगा, टीचर तो कैसे आगे बोलेगा अरे यार कहाँ काटा जाए नंबर, इसने तो वॉशिंग सोडा भी लिख दिया, फिर इसने N2CO3.10H2O भी लिख दिया, ठीक है तो नंबर नहीं काटा जाएगा, पूरे नंबर दे दो, टॉप मारा छोरा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने पर N2CO3 बनाते हो, ठीक है। और फिर लिखा है राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन POP एंड वाटर, ठीक है। ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन आखिरी वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब देखते हैं और क्वेश्चन बचा है, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, यहाँ पर करते हैं हम लोग ये चैप्टर समाप्त। अगर यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हो उनको भेजो ये वीडियो, उनसे बोलो कि कितना शानदार पढ़ाता है ये आदमी, और वीडियो को इसी तरीके से एंड तक ज़रूर देखिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ विद ऑल द NCERT क्वेश्चन सॉल्व विद द चैप्टर एक्सप्लेनेशन। तब तक ले बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।